देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जो भी मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। और क्यों करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर जो भी रूल्स कहते हैं उसके आधार पर आंसर में हमें सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होंगे, और सिग्निफिकेंट प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। चलिए, राउंडिंग ऑफ करने के बाद सबसे पहला प्रोसेस है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में राउंडिंग ऑफ। दूसरा क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या है, 10 की पावर में इसको लिखना, ये एक नंबर है और इसकी इंटू 10 द पावर बी, बी क्या है, पावर्स है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि ए यानी कि नंबर लेस देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 द पावर बी ही रहेगा, यानी कि पावर सेम रहेगी। और अगर ए इक्वल टू 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा 10 द पावर वी प्लस 1, नोट है यार। एंड अगर ए इज लेस सॉरी ग्रेटर देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी प्लस 1। समझते हैं हम, चलिए कुछ उदाहरण समझते हैं हम। 4.9 इंटू 10 द पावर 5, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 5 आएगा क्योंकि जो 4.9 है दिस इज लेस देन 5, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, सेम रहेगा। सो पावर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा 10 द पावर 5। और ये देखिए, ये भी क्या है, 5 से कम है, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10 द पावर 5। अब इसको देखिए आप, This is 628 into 10 the power 5. तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाइए। साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि एक डिजिट के तुरंत बाद आप डेसिमल लगाइए, तो एक डिजिट के बाद तुरंत मैंने डेसिमल लगाया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर आप 100 का मल्टीप्लाई 6.28 में करेंगे तो ये बिकम कितना हो जाएगा, 628। तो आपको समझ में आ गया होगा, इंटू 10 द पावर 5, और ये 10 द पावर 2 आ गया, और ये 10 द पावर 5 आ गया, तो क्या हो गया, 6.28 इंटू 10 द पावर 7। ये हुआ इसका साइंटिफिक नोटेशन। अभी हम इसका साइंटिफिक नोटेशन कर पाए। अब देखिए आप, 6.2 इज ग्रेटर देन 5, इस वजह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 7 प्लस 1, और ये कितना होगा, 10 द पावर 8। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, 3745 मल्टीप्लाई बाई 10 द पावर 6। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट इट इन टू द साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म में क्या करते हैं, एक डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद तुरंत डेसिमल, कहां से, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से तुरंत एक अंक बाद डेसिमल। तो लेफ्ट हैंड से हम चले यहां से, और क्या किया मैंने, पॉइंट लगा दिया, तो 3.745, और इसको जब आप इलिमिनेट करेंगे तो कितना होगा, 10 द पावर 3 और आ जाएगा, तो क्या होगा, 10 द पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये साइंटिफिक नोटेशन हो पाया है, दिस 3.745 इज लेस देन 5, सो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ये कितना हो जाएगा, 10 द पावर 9 हो जाएगा। अब हम ऐसे उदाहरण करेंगे जिनमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं कि दशमलव के बाद के जो डिजिट्स होते हैं, डेसिमल के बाद के जो न्यूमेरल्स होते हैं उनको बदलने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनके दो उदाहरण हम छोटे छोटे करेंगे और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है 0.376 इंटू 10 द पावर 6, इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लाइए। साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि डेसिमल के जस्ट, मतलब एक आपको नॉन जीरो डिजिट चाहिए, उसके जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाइए, तो 3.76। अब ये कैसे हो पाएगा, इसको कैसे लिखोगे, अपॉन 10 इंटू 10 द पावर 6। यदि आपको डायरेक्ट आता है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा, ये आप यहां से देख रहे हैं, ये पावर है और ये पावर इससे कट जाएगा, तो इसका क्या आएगा, 3.76 इंटू 10 द पावर 5। अब आप इसको देखो, दिस इज लेस देन 5, सो इसका जो मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 10 द पावर 5। समझ गए हम। चलिए इसको देखिए, हमें क्या करना है, डेसिमल कितने नॉन जीरो के बाद रखना है, केवल फर्स्ट के बाद, और वो कहां शुरू करना है, लेफ्ट से, तो 7.5890, तो कितने अंक हमारे हुए, 1, 2, 3, 4, 5। सो दिस इज सिंपली 10 द पावर 5, एंड 8 इज व्हाट, 8 इज ग्रेटर देन 5, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 द पावर 5 प्लस 1, सो दिस इज 10 द पावर 6। नाउ वी विल कम टू दिस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन पर आते हैं तो आप इजीली इसको ऐसे कर लीजिए, मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्हें नहीं आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो दिस इज व्हाट,
389 इंटू 10^-7 इंटू 10^-6, ये कहां से आया, ये नीचे से आया। सो 389 इंटू 10^-13, इसको साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन में लेके जाइए, 3.89 इंटू 10^-11, क्योंकि यहां से प्लस बन रहा है और ये क्या है, ग्रेटर देन, ये लेस देन 5 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा, 10^-11। चलिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा प्रॉब्लम तब आता है जब इस तरीके की कोई चीज आ जाती है, हालांकि सब बहुत सारे बच्चों को आ जाती, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए। 6.7 इंटू 10^-11 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 10^-13। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। 10^-11 जो पावर है इसको कॉमन लीजिए, सो दिस इज व्हाट, 6.7, और यहां पर आप देखेंगे 0.5 इंटू 10^-13 इंटू 10^-11, और जब ये -11 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा भाई, बताओ जरा जल्दी से। और इसको सेकंड स्टेप में देखिए, 10^-11 6.7 इंटू 0.5 10^-13 की जगह ये कितना हो जाएगा, -2। सो दिस इज नाउ वेरी सिंपल, 10^-11 6.7 इंटू 0.5 इंटू 10^-2 10^-11 6.7, इसका -2 का मतलब 2 जीरोस और बढ़ा दीजिए, सो दिस इज नाउ यू कैन सब्सट्रैक्ट दिस वन और यू विल गेट आंसर, ठीक है ना। चलिए, मेजरमेंट से जुड़ी दो चीजों को हम जान लेते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रोसीजन। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, इसको समझिए, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू ट्रू वैल्यू ऑब्लिक टारगेट, यानी कि कोई भी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितना पास है, जो जितना पास होगा सबसे अधिक पास वाले को एक्यूरेट कहा जाता है। ट्रू वैल्यू मींस क्या हो गया, जो हमें पता है, पहलू पहले से पता है। इसका क्या मतलब है, इसको छोटे से उदाहरण से हम समझ लेते हैं, बोरली में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपका स्कूल बैग है वो 5 किलोग्राम का है, और आप गए तुरंत कहां, एक सब्जी वाले से कहा, यार मेरा बैग तोलो यार बहुत भारी लग रहा है, तो उसने क्या तोला आपको, 5 किलोग्राम और 200 ग्राम, ठीक है। और फिर आप गए एक चक्की वाले के पास, अरे यार इसने मेरा बैग का वजन इतना बता रहा है तो तुम तोलो, तो उसने तोला आपका वजन 6 किलो और 700 ग्राम। तो आप में एक्यूरेट कौन सा है, चूंकि आपको पता है ट्रू वैल्यू कितना है, 5 किलोग्राम है, तो एक्यूरेट कौन है, ज्यादा एक्यूरेट कौन है, वो सब्जी वाला जिसने आपको बताया 5.2 किलोग्राम। तो एक्यूरेसी क्या होती है, जो ट्रू वैल्यू है उसके कौन सबसे कम पास में, लेकिन जो सबसे उसके ठीक ठीक आसपास आ पा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक्यूरेट है। अभी मैं और एक चित्र की सहायता से आपको बताऊंगा तो और क्लियर होगा। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसाइज वैल्यू क्या होता है, प्रिसाइज वैल्यू वो होता है कि एक बार हमने मेजरमेंट किया वो 5.5 किलोग्राम आया, दूसरी बार किया 5.51 किलोग्राम आया, तीसरी बार किया 5.565 आया, यानी कि जो वैल्यू वो मेजर कर रहा है वो उसी के आसपास कर रहा है, बिल्कुल ठीक ठीक पास पास कर रहा है ना, तो वो क्या होता है, वो वैल्यू कैसी होती है, प्रिसाइज वैल्यू होती है। जैसे इसको समझिए, मौखिक समझ में नहीं आ रहा होगा, मान ले पहली बार उसने उसने पहली बार मेजर किया 600 किलोग्राम आपका बैग, ठीक है ना, फिर उसने उसको मेजर किया 600 इतना किलोग्राम, फिर उसने लिया 5.620 kg। तो ये वैल्यूज क्या है, एकदम जो है एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू है 5.200 किलोग्राम, तो ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है, मतलब ये बार बार उसी के आसपास आ रहा है, उसी के आसपास आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रिसाइज वैल्यू हो गया। रुकिए जरा और सुन लीजिए, प्रिसाइज वैल्यू वो ज्यादा ठीक होती है, वो ज्यादा प्रिसाइज होता है जिसका लीस्ट काउंट, जिसका रिजॉल्विंग पावर जितना अधिक होता है, यानी की सहायता से आपको तुरंत समझ में आएगा कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। चलिए देखिए, टारगेट हमको यहां लगाना है, ठीक है, एक बच्चे ने टारगेट जब वो फेंका वो, तो ये टारगेट उसने यहां पर हिट किया, दूसरे बच्चे ने जो पहली बार फेंका उसने यहां हिट किया, तीसरे बच्चे ने जो पहली बार फेंका वो यहां हिट किया। अब अगर इन तीनों में आप देखिए तो जो एक्यूरेट है, यानी कि जो लक्ष्य के बिल्कुल पास है, ये लक्ष्य है इसके बिल्कुल पास कौन है, ये है, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। इसको देखिए, इस दूसरे वाले बच्चे को देखिए, इसने पहली बार भी यही टारगेट यहां निशाना लगाया, फिर दूसरी बार बिल्कुल इसके पास में लगाया, तीसरी बार बिल्कुल इसके पास में लगाया, तो ये एक्यूरेट नहीं,
यस प्रसाइज मतलब बिल्कुल उसी के ठीक ठीक जो मेजरमेंट वो कर रहा है उसी के पास पास आया जा रहा है। अब तीसरे वाले बच्चे को देखिए, ये निशाना पहली बार इसने यहां लगाया, दूसरी बार यहां लगाया, तीसरी बार यहां लगाया, ना तो ये टारगेट के पास में है और ना जहां पर ये निशाना लगा रहा है, ये बार बार अलग अलग लगा रहा है, इसका फ्लक्चुएशन बहुत है। तो इसका मतलब क्या है, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रसाइज है, ना ही ये प्रसाइज एक्यूरेट कौन है, ये लक्ष्य के सबके पास है। लास्ट वाला देखिए, ये एक ऐसा उदाहरण है जो बच्चा है, उसने टारगेट यहां पर लगाया, दूसरी बार जब उसने फेंका फिर यहां पे लगाया, तीसरी बार लगाया फिर ये इसके दूसरी वाले के पास में लगाया, तो ये क्या है, दिस इज एक्यूरेट। यस ये एक्यूरेट है क्योंकि टारगेट क्या है, इसके जस्ट पास में है, टारगेट के जस्ट पास में है, ये प्रसाइज है। यस ये प्रसाइज भी है। तो अंत में इतना बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रसाइज वैल्यू होता है वो लिस्ट काउंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज द ऑल ऑफ अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं आपको एरर और उसका पूरा, एरर का मैंने शुरुआत कर दिया है, प्रसाइज और एक्यूरेसी पूरा आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।